भाई ना चाय पूछिए ना पानी पूछा है, बस नाटक देखो नाटक देखो, क्या नाटक दिखाने भाई, गलत सूख गया मेरा। आया आकाश पानी तो पिलाया सुबह से, बुलाया आकाश। अरे भाई तुम पानी पीने से बात कर रहे हो, यहाँ दो दिन से नहाया तक नहीं हुआ। मम्मी को बोला था मम्मी कम नहीं करते ना, मम्मी ने कहा पानी कितना आया थोड़ा सा, बस खूब हो गया दो दिन से पानी। अरे 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 तुम लोगों को पता है आजकल दिनों की स्थिति ठीक क्यों हो रही है, नहाने के लिए पानी तो है नहीं, तो बस जियो लगा है और बस कैसे हो गए। बरसात अभी तक आई नहीं है, अगर यही आ रहा तो हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, करूं तो करूं क्या आखिर। अरे भैया पिछले साल भी सूखा ही पड़ा था, आज भी याद है वो दिन कैसे गुजारे थे, अब क्या करें हम, सरकार के पास जाए लंबी लंबी किताबों में भर लें तीन तीन दिन और सिर्फ पानी के लिए। जो नदियां थी वो भी सारी सूखी हुई है, जिसका मन करता है नहर नहर तोड़ के वहां अपनी अपनी तरफ पानी कर लेता है, करे तो करे क्या। अब तो भैया बस ऊपर वाले का ही सहारा है, अगर बरसात हुई तो हुई वरना तबाही पक्की है भैया।
की जरूरत है जिसके बिना न हम जी सकते हैं और न ही पृथ्वी के अस्तित्व की कल्पना की जा सकती है। पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ और जिसमें पीने योग्य पानी 1% से भी कम, यानी कि इस्तेमाल का पानी बहुत ही कम। और इस 1% पानी में हमारी नदियां, तालाब और झील आती है और जो भी पानी हमारे पास है हम उसकी भी कद्र नहीं करते। तालाब सूख रहे हैं, जमीन के नीचे का पानी और नीचे जा रहा है, नदियां खत्म होती जा रही है और जमीन बंजर होती जा रही है, जमीन बंजर। अरे भैया आ गया, आ गया, पानी का टैंकर आ गया, आ जाओ आ जाओ, पानी भर लो। अरे राकेश जल्दी से डबला पानी भर ले, आ गए टैंकर। जितनी ज्यादा मिस कॉल उतना तगड़ा सपोर्ट।